हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है जन्मेजय क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि कल रेलवे ग्रुप डी यानी कि रेलवे विभाग ने RRB ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया है, या फिर वो जो पहले जब वैकेंसी आई थी तो कौन कौन से कैंडिडेट का या कौन कौन से कैटेगरी का कितना मिनिमम परसेंट क्वालिफाइंग नंबर रहेगा, इस सब के बारे में जानकारी दिया है दोस्तों। तो इसी के सिलसिले में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लेकर के आया हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट या जो जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिलाए हैं, सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों। तो सभी के सवालों का कुछ कुछ जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो एक रिजल्ट के सिलसिले में नई अपडेट, ये जो अपडेट है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, 7/12/2022 आज का अपडेट है दोस्तों। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि रिज़ल्ट आप लोगों को बता दो, कभी भी आ सकता है दोस्तों। चाहे आज शाम तक ही आप लोगों को देखने को मिल जाए, एक दो दिन या कल या परसों, कभी भी आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि पूरी तरीके से पूरी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वेबसाइट के कभी भी लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को जैसे ही होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं कल भी चेक किया था, उसमें सीधा लिख रहे हैं लिंक एक्टिवेटेड शॉर्टली, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए अभी वेबसाइट को खोला गया है। तो ये सब के लिए आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कभी भी आप लोगों को रिजल्ट की लिंक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो जो कैंडिडेट का 40 से ऊपर नंबर है, यानी कि जिन जिन कैंडिडेट का 40 नंबर के ऊपर है या 40 के आसपास है, तो वो सब के लिए टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो जिस शिफ्ट में ज़्यादा सबसे हाई हाई नंबर गया होगा और जिस शिफ्ट में सबसे कम कम नंबर गया होगा, उसमें एक मिडिल में यानी कि कितने नंबर बढ़ा सकते हैं, एक कैलकुलेशन करके फिर आप लोगों को बोनस नंबर दे दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को अच्छी बात है, आप लोगों सबको मिनिमम 20 नंबर के आसपास बढ़ सकते हैं दोस्तों, 20+ नंबर के आसपास बढ़ सकते हैं। तो आप लोग खुशी रहिए, अगर 40 नंबर है तो 60 नंबर के आसपास हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को खुशखबरी की बात है। साथ ही साथ आपको बता दूँ दोस्तों, नई भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये वाली भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों को ख़त्म होगी, आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, अभी सबके मन में ये सवाल है कि रिज़ल्ट कब आएगा, फिजिकल डेट कब होगा, मेडिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सबको आज बताने वाला हूँ दोस्तों, रिज़ल्ट आप लोगों को एक दो दिन या कभी भी देखने को मिल जाएगा, कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिजिकल की बात करें तो दोस्तों इसका फिजिकल जनवरी में होगा, और मेडिकल की बात करें तो इसका मार्च में होगा दोस्तों। यानी कि फिजिकल जनवरी में और मेडिकल मार्च में दोस्तों, मार्च तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन है, उससे पहले रेलवे ने 1.5 लाख नई वैकेंसी की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूँ, ये प्रक्रिया पूरी होगी तभी ये 1.5 लाख का वैकेंसी आएगा दोस्तों। जब ये वैकेंसी आएगी तो उसको प्रक्रिया करने में 1 साल लगेगा ही। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, उसी में 1.5 लाख में ALP प्लस टेक्नीशियन, और उसके बाद है TTE, और है ALP TTE, और एक और कुछ है, मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे, हाँ RPF, ये तीनों का 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो आप सब खुशियाँ मनाइए, आप सबके लिए खुशखबरी की बात है कि 1.5 लाख न्यू वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मार्च लास्ट या अप्रैल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बोल दूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जाते समय लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें जा करके आप क्लिक कर दीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल में नई नई नोटिफिकेशन की जानकारी या कोई भी जॉब आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए